सोचो एक छोटा सा सेल इतना ताकतवर कि आपके शरीर के किसी भी सेल में बदल सकता है। यह है स्टेम सेल की पावर। स्टेम सेल हमारे शरीर का कच्चा माल है जो खास काम करने वाले सेल में बदल सकता है। ये जीवन के रक्त है जो हमारे बढ़ने, विकास और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। जब हमें चोट लगती है या हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं तो स्टेम सेल हमारी मदद करते हैं। वो विभाजित होकर नए सेल बनाते हैं, जैसे घाव भरने के लिए स्किन सेल या खून की कमी पूरी करने के लिए ब्लड सेल। मेडिसिन के क्षेत्र में स्टेम सेल का बहुत बड़ा योगदान है। जरा सोचिए एक ऐसा भविष्य जहां हम इन सेल्स की मदद से लाइलाज बीमारियों का इलाज कर सके। ये है स्टेम सेल थेरेपी का वादा, मेडिसिन में एक क्रांति जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सारे स्टेम सेल एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग तरह के होते हैं। हर एक की अपनी खासियत और उपयोगिता होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जैसा कि नाम से जाहिर है, विकास के शुरुआती चरण में भ्रूण से लिए जाते हैं। ये सेल प्लुरिपोटेंट होते हैं, यानी इनमें शरीर के किसी भी सेल में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। ये रिसर्च और संभावित इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और प्रकार का स्टेम सेल है इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल या IPSC। ये सेल वेस्क सेल जैसे त्वचा कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करके बनाए जाते हैं, जिससे वे वापस स्टेम सेल जैसी अवस्था में आ जाते हैं। इस अभूतपूर्व खोज ने स्टेम सेल रिसर्च में क्रांति ला दी है, जिससे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से जुड़ी नैतिक चिंताओं के बिना प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल प्राप्त करने का एक तरीका मिल गया है। अंत में हमारे पास एडल्ट स्टेम सेल है जो पूरे शरीर में विभिन्न ऊतकों और अंगों में पाए जाते हैं। ये सेल मल्टीपोटेंट होते हैं, यानी ये अपने मूल ऊतक के भीतर सीमित संख्या में सेल प्रकारों में ही बदल सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी कई तरह की बीमारियों और स्थितियों के इलाज के लिए एक उम्मीद की किरण है। हृदय रोग के मरीजों के लिए स्टेम सेल का उपयोग क्षतिग्रस्त हृदय ऊतक को पुनर्जीवित करने, हृदय के कार्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है। पार्किंसंस रोग, एक दुर्बल करने वाला न्यूरोलॉजिकल विकार, संभावित रूप से स्टेम सेल से उपचारित किया जा सकता है, जो डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाओं में अंतर करते हैं, मस्तिष्क में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की जगह लेते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोटें, जो अक्सर लकवा की ओर ले जाती है, स्टेम सेल से उपचारित की जा सकती है, जो तंत्रिका पुनर्जनन को बढ़ावा देती है, संभावित रूप से गतिशीलता और संवेदना को बहाल करती है। मधुमेह, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला एक चयापचय संबंधी विकार, स्टेम सेल से प्रबंधित किया जा सकता है, जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं में अंतर करते हैं, इस पुरानी स्थिति के लिए एक संभावित इलाज की पेशकश करते हैं। ये स्टेम सेल थेरेपी की परिवर्तनकारी क्षमता के कुछ उदाहरण हैं। भाग 4, स्टेम सेल रिसर्च में नैतिक पहलू। जबकि स्टेम सेल अनुसंधान के संभावित लाभ निर्विवाद हैं, ऐसे नैतिक विचार हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से भ्रूण स्टेम सेल के उपयोग ने तीव्र बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का तर्क है कि भ्रूण विकास के शुरुआती चरणों में भी नैतिक स्थिति के पात्र हैं और उनका उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह नैतिक दुविधा वैज्ञानिक प्रगति के नैतिक निहितार्थों पर चल रहे संवाद और सावधानी पूर्वक विचार के महत्व को उजागर करती है। IPSC के विकास ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान किया है जो भ्रूण स्टेम सेल से जुड़ी नैतिक चिंताओं को दूर करता है। हालांकि IPSC के संभावित उपयोग के संबंध में अभी भी नैतिक विचार है, जैसे ट्यूमर के गठन का जोखिम और कठोर सुरक्षा परीक्षण की आवश्यकता। भाग 5, स्टेम सेल थेरेपी का भविष्य। स्टेम सेल थेरेपी का भविष्य आशाजनक है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ेगा, हम इस परिवर्तनकारी तकनीक के और भी नवीन अनुप्रयोगों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। व्यक्तिगत चिकित्सा, जहां उपचार एक व्यक्ति के अद्वितीय आनुवंशिक मेकअप के अनुरूप होते हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्टेम सेल थेरेपी से महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां हम व्यक्तिगत उपचार बनाने के लिए रोगी की अपनी कोशिकाओं का उपयोग कर सकें, अस्वीकृति के जोखिम को कम कर सकें और परिणामों में सुधार कर सकें। पुनर्योजी चिकित्सा, एक और तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र, स्टेम सेल थेरेपी से बहुत लाभान्वित होने के लिए भी तैयार है। क्षतिग्रस्त ऊतकों और अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता, ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर अंग विफलता तक,
कई तरह की स्थितियों के इलाज के तरीके में क्रांति ला सकती है। स्टेम सेल थेरेपी में दवा को बदलने की क्षमता है, जैसा कि हम जानते हैं, एक स्वस्थ भविष्य के लिए आशा प्रदान करते हैं।